ये है पुणे के श्रीधर चिल्लल। इन्होंने 1952 से अपना नाखून नहीं काटा था और साल 2015 में इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था सबसे लंबे नेल्स का। इनका जो थंब का नेल है उसको ध्यान से देखो, थंबनेल को ध्यान से देखो, वो कैसे मुड़ा हुआ है, वो सबसे लंबा है, 195 सेंटीमीटर्स लंबा। ऐसी एक लड़की थी सीमोन टेलर नाम की, उसने 3 साल तक अपना नाखून बढ़ा कर रखा था, तो उसने पब्लिकली सबको ये पोस्ट करके दिखाया था कि उसका नाखून ऐसा हो गया था। कितनी अजीब बात है कि नाखून, ये जो हम लोग बस ज्यादातर यहीं तक देखते हैं हम लोग, आप और हम, ये नॉर्मली तो ऐसा दिखता है, लेकिन अगर छोड़ दें और जिंदगी में कभी नेल कटर यूज ना करें आप और हम, तो कैसा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। 6 महीने से 1 साल 2 साल नहीं काटोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 60 साल में तो ऐसा हो जाएगा इनके जैसा। कितनी अजीब बात है, अगर कुछ काटे ना तो ये बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतने सालों तक, 66 सालों तक ये कैसे जीते होंगे, बाहर कैसे जाते होंगे। इन्होंने जो कहा है, इनके हिसाब से इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कहीं भी जाते थे ये तो इनको लाइन में वेट नहीं करना पड़ता था, इन्होंने ये कहा था। यानी कोई भी इंसान ऑफकोर्स इनको स्पेशल ट्रीट करेगा, और इस रिकॉर्ड के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और फाइनली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि किम जोंग उन जो है कोरिया के तानाशाह, उन्होंने एक ऐसा रूल निकाला है कोरिया में कि वहां के जो बच्चे हैं, जो कि बचपन में जैसे पढ़ाई करते हैं ना नर्सरी में, 1 में 2 में, तो उनके सब्जेक्ट्स में से डेली 90 मिनट्स सिर्फ किम जोंग उन के ग्रेटनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, वो 90 मिनट्स उनके ग्रेटनेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो बचपन में कितने तेज थे, फिर बड़े हो गए तानाशाह बने। मतलब ऐसा नियम बनाया है उसने कि बचपन से बच्चों के दिमाग में उसके ग्रेटनेस के बारे में घुसे कुछ ना कुछ। नेक्स्ट फैक्ट, आपको एक फैक्ट में मैंने बताया था कि किसी का भी जब गला कटता है सर से अलग होता है, तब कटने के कुछ सेकंड्स बाद भी वो गला कॉन्शियस होता है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे ब्रेन में होती है, इस जगह पर मेमोरीज भी यहीं रहती है। बाकी जो गले के नीचे का पार्ट है वो हमारा शरीर होता है, और नीचे जो है स्पाइन में नर्वस सिस्टम का बहुत कंट्रोल्स होता है, तो अलग होने के बाद भी वो होश में रहता है। तो इस चीज को कोई इंसान तो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि गला कटने के बाद ही तो इंसान को वो दिखेगा कि कैसा फील हो रहा है, लेकिन वो 20 सेकंड्स तक कॉन्शियस रहता है, ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है। तो रिसर्चेस में ये बात पता चली है, और ये एक अजीब सी मिस्ट्री है कि वो 20 सेकंड में इंसान कैसा फील करता होगा, ये आज तक किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट फैक्ट, ट्रेडमिल, ट्रेडमिल के बारे में आपने सुना है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत ही हॉन्टिंग है। ट्रेडमिल आजकल के जिम की कूल सी चीज है, जिस पर हम अपना दौड़ के कार्डियो करते हैं, हेल्थ को मेंटेन करते हैं, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा डार्क है। ट्रेडमिल एक्चुअली में एक पनिशमेंट के रूप में सबसे पहली बार इंग्लैंड में बना था, और उस टाइम के पनिशमेंट्स कैसे होते थे वो तो आपको पता ही होगा। याद है ना वो बॉक्स जिसमें स्पाइक रहता था, और जो पनिश होता था उसको अंदर घुसाकर उसके आंख में, वैसे ही ट्रेडमिल में पास्ट में इंग्लैंड में ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें पनिशमेंट के तौर पर ट्रेडमिल पर दौड़ा दौड़ा कर जब तक वो एग्जॉस्ट होके गिर ना जाए तब तक उन्हें दौड़ाया जाता था बिना खाना के, और कई लोग तो दौड़ते हुए पास आउट भी हो गए, यानी मर गए हैं। तो ट्रेडमिल का जो इतिहास है वो बहुत ही डार्क है, क्लीन इतिहास नहीं है। प्रिजन डिवाइस हुआ करता था ट्रेडमिल, पास्ट अवे फ्रॉम एग्जॉस्टन, ये टर्म यूज होता है उस टाइम के लोगों के लिए जो कि ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते मर गए थे। नेक्स्ट फैक्ट, हैरियट कोल, ये एक वेमन है जिसने मरने के पहले अपने बॉडी को साइंस को यानी विज्ञान को डोनेट करने का प्रण लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि वो कुछ लीगल पेपर साइन की थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जब वो मरेगी तब उसका बॉडी विज्ञान के रिसर्च पर्पस के लिए यूज होगा। तो क्या हुआ कि उसको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, 35 साल के एज में ही। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया गया था बॉडी उसमें एक डॉक्टर थे जिनका नाम है डॉक्टर रूफस बी वीवर, क्योंकि वो लीगली अलाउ कर दी थी कि मेरा बॉडी विज्ञान को, साइंस को डोनेट होगा। तो ये जो डॉक्टर है डॉक्टर वीवर, ये 6 महीना लगाकर उसके बॉडी के नर्वस सिस्टम को उसके शरीर से अलग किए काट काट कर, और ये है उसका रिजल्ट। ये जो आप देख रहे हो ये उसी लड़की का नर्वस सिस्टम है, और इसको आप अभी भी चाहो तो अपने आंखों से देख सकते हो। अमेरिका के ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसका ये बॉडी अभी तक शीशे में बंद कर रखा गया है। तो ये जो है इसका नर्वस सिस्टम है
जो कि उसके बॉडी से फेच किया गया था, और ये हमारे बॉडी के अंदर के सररियल नर्वस सिस्टम को डिपिक्ट करता है। ये जो है बॉडी से नर्वस सिस्टम अलग करना, ये ऐसी चीज नहीं है जो कि डेली होती है, ये पूरे इतिहास में सिर्फ 3 बार हुआ है, 3 लोगों ने किया है। नेक्स्ट फैक्ट, ऐसी कई डरावनी कहानियां होती है जिनको अर्बन लेजेंड्स कहा जाता है, यानी ऐसी चीजें जो कि स्टोरीज में पॉपुलर होती है कि ऐसा कुछ होता है। तो ऐसी एक अर्बन लेजेंड्स में से एक इंटरेस्टिंग अर्बन लेजेंड को आपको मैं बता रहा हूँ, स्माइल रूम। क्या आपने कभी स्माइल रूम के बारे में सुना है? ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है विश्व भर में जिसमें एबेंडेंड जगहों पर, यानी जिस जगह पर कोई नहीं रहता, वहां पर मिस्टीरियसली लोगों को ऐसा एक दांत वाला कमरा नजर आता है। और एज पर स्टोरीज मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक एबेंडेंड जगह पर गया था, तो यहाँ पर वो दांत वाला रूम नजर आया। तो 3 दोस्तों में से एक ने जाना चाहा, उसको लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो टीनेजर था। वो उस स्माइल रूम के अंदर चला गया, बाकी दोनों दोस्त घंटों भर वेट किए लेकिन वो निकला नहीं। तो स्माइल रूम ऐसे ही लोगों को कंज्यूम करता है, ऐसी बातें फैली हुई है। अब क्या है कि ज्यादातर ऐसी जो हिडन अर्बन लेजेंड्स होती है ना, जिसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं होता है, सिर्फ लोगों का एक मिस्टीरियस एक्सपीरियंस होता है, इन सब चीजों पर उतना यकीन नहीं करते लोग, और ये उतना पॉपुलर चीज भी नहीं है। लेकिन जब किसी अर्बन लेजेंड पे मूवी बनती है तो वो चीज पॉपुलर हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि अभी बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया भर में। अब एनाबेला डॉल को ले लो, वो उतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन जब साल 2013 में कंज्यूरिंग मूवी आई जो कि रियल घटना पे आधारित है, एक हॉन्टेड डॉल के ऊपर, तो पूरे विश्व भर के लोग उसके बारे में जान गए। तो वैसे ही स्माइल रूम है। मेरे को पता है ये वीडियो सेव कर लो, मेरे को पता है कि आज से कुछ साल बाद कभी ना कभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी बनेगा ही, ये जो अर्बन लेजेंड है इसके ऊपर मूवी बनना ही बनना है। स्माइल रूम जो एक्सपीरियंस किए हैं लोग, वो ये कहते हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है उनको, उनको क्यूरियोसिटी होती है और उनका बॉडी खुद ब खुद एक्साइटेड हो जाता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। और सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि अंदर जाने के बाद जब जो 2 दोस्त है वो देखते हैं कि वो वापस नहीं आया उसका 3रा दोस्त, तो वो फिर वापस अपने घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स अथॉरिटीज पुलिस वगैरह को ले जाती है, और फिर वापस ले जाने के बाद उस एबेंडेंड जगह के उस दीवार पर कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल। तो रूम अपीयर होता है, लोगों को कंज्यूम करता है और डिसअपीयर हो जाता है। ये है वो रूम, द स्माइल रूम। तो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की थ्योरीज है उसमें से एक थ्योरी ये है, उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि ये कोई क्रिएचर है, कोई एंटिटी है, मे बी कोई डिफरेंट डायमेंशन का एंटिटी है जो कि मैनिफेस्ट होता है एक रूम के तरह और लोगों को कंज्यूम करता है, लोगों को खाता है, एक अलग डायमेंशन का एंटिटी। डायमेंशन, ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। डायमेंशन मतलब कि आप जो दुनिया को देख रहे हो, जैसे कि आप सुबह कॉलेज स्कूल जाते होगे, जॉब पे जाते होगे, तो आप इस दुनिया को देख रहे हो, रोड है, गाड़ी है, ऑफिसेस हैं, स्ट्रीट फूड में खाना बिक रहा है, ये हमारी नॉर्मल दुनिया। लेकिन एक अलग डायमेंशन मतलब एक अलग दुनिया, जहां पर एक पैरेलल दुनिया मान लो जो इसी जगह पर एग्जिस्ट करती है, इसी फिजिकल प्लेस पर, लेकिन उसका डायमेंशन अलग होता है, उसका फ्रीक्वेंसी अलग होता है। एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। और पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स का ये भी मानना है कि जो हम जो ये सब फील करते हैं, जैसे कि घोस्ट, नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, ये सब डायमेंशंस का ही खेल होता है। अलग डायमेंशन के एंटिटीज होते हैं वो लोग, घोस्ट्स और बाकी सब। ये सब चीजें साइंस के बियॉन्ड है, साइंस के तर्क पे जाओगे तो प्रूफ जो होता है वो तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जो रेयर केस में ऐसी चीजें होती है जैसे कि घोस्ट को एक्सपीरियंस करना, स्माइल रूम को एक्सपीरियंस करना, ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देती है और हमारे ईगो को डिस्ट्रॉय कर देती है कि हम जो साइंस से पढ़ते हैं इस दुनिया को जानने के लिए, वो एक्चुअली में हम लोग 100% कभी भी नहीं जान पाएंगे इस विश्व को, क्योंकि हमारा माइंड जितना समझ सकता है, एक लिमिटेड कैपेबिलिटी वाला माइंड, चाहे वो वैज्ञानिक का माइंड हो चाहे आपका मेरा, जितना हम समझ सकते हैं हम उतना ही समझते हैं, लिमिटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें नहीं है इस दुनिया में, जैसे कि घोस्ट, अनदर डायमेंशन क्रिएचर्स और बाकी सब चीजें। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो भी सब्सटेंसेस हमारे शरीर में डाली जाती है,
जैसे कि दवाई, इंजेक्शन और बाकी चीजें, ये सबको सर्टिफाइड होना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट के एक मेड स्टैंडर्ड से पास होना पड़ता है, जिसमें कि वो दवाई शरीर में कैसे काम कर रही है, कैसे वो असर कर रही है, ये सब चीजें होनी चाहिए पता डॉक्टर्स को, तभी वो दवाई के रूप में बिकने की परमिशन होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म विज्ञान को आज तक नहीं पता, लेकिन वो यूज बहुत जोरों शोरों से होता है। एनिस्थीसिया, जब भी ऑपरेशन वगैरह होता है तब एनिस्थीसिया से बॉडी के एक पार्ट को सुन्न कर दिया जाता है, ताकि ऑपरेशन के टाइम पेशेंट को पेन ना फील हो। लेकिन ये एनिस्थीसिया काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म, ये आज तक एक मेडिकल मिस्ट्री है। एनिस्थीसिया 1846 में एक डेंटिस्ट जिनका नाम था विलियम टीजी मॉर्टन, उन्होंने अपने सर्जिकल पेशेंट पे पहली बार इस्तेमाल किया था। देखो यहाँ पर बेसिक चीजें जो है ना, कि वो सुन्न कर देता है, ये सब तो पता है, लेकिन एक मैकेनिज्म होता है कि उसका कौन सा केमिकल कहाँ बॉन्ड करके कैसे कर रहा है, ये जो डीप चीजें हैं साइंस के स्तर पर, वो एनिस्थीसिया के बारे में आज तक अननोन है मोस्टली। मतलब आप कह सकते हो कि एनिस्थीसिया का अगर 100% डेटा इस यूनिवर्स में है कि वो कैसे काम करता है, तो हम अभी तक 20% ही समझ पाए हैं। नेक्स्ट फैक्ट, जब बाथरूम में कोई टॉयलेट करता है तो माइक्रोस्कोपिक रिसर्चेस से ये पता चला है कि जो टॉयलेट और फीसिस होता है वो हवा में कुछ फीट ऊपर तक भी उड़ता है, हवा में मिक्स होकर। टॉयलेट करने के बाद वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो 20 फीट तक ऊपर तक तैरते रहते हैं। तो अब जब आप पब्लिक बाथरूम में जाओगे, मॉल वगैरह में, तब आप समझ जाना कि वहां जाने के बाद आप किस चीज को सांस लेते हो और स्मेल क्यों आता है। नेक्स्ट फैक्ट, रैपुंजल सिंड्रोम, क्या आप इसके बारे में सुने हो कभी? इस अजीब सी बीमारी में होता ये है कि इंसान को बाल को खाने का मन करता है, हेयर को, जी हाँ लिटरली हेयर को, और इंसान बहुत मात्रा में बाल खाते रहता है। बाल को खाने के बिना वो जी नहीं सकता है, ऐसा हो जाता है। और फिर होता ये है कि जब वो बाल पेट में जाते रहता है, उसके ब्रेन में ऐसा कुछ होता है कि ब्रेन और स्टोमक का कनेक्शन डिसरप्ट हो जाता है, और फिर बाल जो है वो पेट के बाहर और बाहर वाले एरिया इंटेस्टाइन से निकल कर चारों तरफ पेट में बाल ही बाल हो जाता है। बाल स्टोमक को घेर देता है, कुछ इस तरह स्टोमक में हो जाता है, और इसी चीज को रैपुंजल सिंड्रोम कहा जाता है। आपके पेट और बाकी ऑर्गन्स के चारों तरफ वो रैप हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको सुअर, पिग्स के बारे में ये फैक्ट पता है कि पिग्स इंसानों को भी खा सकते हैं? जी हाँ, पिग्स जो है वो इंसानों को खाते हैं, ये पाया गया है। और इंसान के सिर्फ फ्लेश को ही नहीं खाते हैं, इंसान के हड्डी को भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस बात को फिर से सुनो, इंसान के हड्डियों को भी यहाँ तक पिग्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, और सिर्फ दांत जो है ये नहीं खा सकते, वो दांत को नहीं पचा सकते वो अपने पेट में, लेकिन इंसानी मांस और हड्डी को पिग्स खा सकते हैं। टेरी वैंस गैरनर नाम का एक फार्मर था अमेरिका में, 69 एज का, वो ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन उसके कई पालतू पिग्स थे जिसका वो हमेशा देखभाल करता था। साल 2012 में क्या हुआ कि एक दिन वो पिग को फीड करने गया, लेकिन वो वापस नहीं आया घर। फिर उसके परिवार वाले गए उसी पिग वाले जगह पर, उसी पिग इनक्लोजर में गए जहाँ पर बहुत सारे पिग्स थे, उनका बॉडी था ही नहीं, बॉडी का टुकड़ा मिला उनके परिवार वालों को। फिर ओरेगन के जो अथॉरिटीज है अमेरिका में, वो फिर जांच करने लगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो फिर ये पता चला बाद में सारी जांच में कि उसका बॉडी पिग के पेट के अंदर है, पिग्स खा लिए थे उसको पूरी तरह से। और पिग्स इंसान के फ्लेश को पचा पाते हैं, लेकिन ये हड्डी को पता नहीं कैसे पचा लेते हैं, सिर्फ दांत को छोड़कर। नेक्स्ट फैक्ट, टाइटैनिक 1912 में डूबा था, लेकिन 1898 में एक किताब आई थी फ्यूटिलिटी नाम की, उसमें एक ऐसे पानी जहाज के बारे में बताया गया था जो कि अनसिंकेबल कहा जाता हो, और फिर वो एक रात पानी में बर्फ में टकराकर आइसबर्ग से हिट कर वो डूब जाता है। ये कहानी टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले एक ऑथर ने नॉवेल के रूप में ये कहानी लिखी थी। कहानी में ये भी था कि जो कहानी में जो जहाज था उसमें लाइफ बोट्स कम थे, और एक्चुअल टाइटैनिक में भी कोइंसिडेंटली लाइफ बोट कम थे। मॉर्गन रॉबर्टसन उस ऑथर का नाम था। कई लोग ये बोलने लगे कि वो उनके पास कोई स्पेशल ताकत थी जिसे वो फ्यूचर को देख सकते थे, जिसे वो डिजास्ट्रस जो चीजें हैं उनको देख सकते थे। रॉबर्टसन को पानी जहाज बनाने में, शिप बिल्डिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, और उनके पास मरीन की नॉलेज भी बहुत थी। और सबसे अजीब बात यह है कि उस फ्यूटिलिटी किताब में जो जहाज थी उसका नाम था टाइटन।
इतना बड़ा कोइंसिडेंस, 14 साल का अंतर, आइसबर्ग से हिट होना, लाइफ बोट्स कम होना, कैसे हो सकता आखिर ये तो अनबिलीवेबल है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि स्पाइडर्स मकड़ियों के दांत नहीं होते, वो अपने प्रे को लिक्विफाई करके खाते हैं, यानी प्रे को पहले गला देते हैं अपने सलाइवा के मदद से, और फिर वो गलने के बाद फिर वो पेट के अंदर लेते हैं। इनका दांत नहीं होता है, इनका 100% लिक्विड डाइट होता है, यानी पहले ही लिक्विड बना के तब वो खाते हैं। स्पाइडर्स के अंदर बिल्ट इन वेनम होता है, जो कि जो भी वो प्रे करते हैं उसके ऊपर जब वो जाता है वेनम, तो उसका जो सेल वॉल है वो ब्रेक होने लगता है, यानी उनका फूड लिक्विफाई होने लगता है और वो लिक्विफाइड फूड को खाते हैं, क्योंकि वो टोटल सॉलिड फूड को नहीं खा सकते। नेक्स्ट फैक्ट, अमेरिका के एक स्टैट के हिसाब से अमेरिका में जितने भी हाउस फायर के केसेस आते हैं, जिसमें आग लगने के चलते पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसमें बहुत पार्ट कैंडल्स के चलते होता है। ये सुनने में अजीब लगेगा आपको, लेकिन कैंडल वहाँ पे हर साल 15,000 हाउस फायर केसेस का कारण होता है। जितने भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं उसका 3% सिर्फ कैंडल के चलते होता है। मोमबत्ती इतनी सिंपल सी चीज है, लेकिन जितना भी आग लगने का केस होता है उसमें ये छोटी सी चीज इसको इनिशिएट करती है। ये कितनी अजीब बात है, मतलब इलेक्ट्रिकल फायर्स तो होती ही है, बिजली के चलते आग लग जाना, लेकिन इन सब मामलों में बहुत अच्छे से जांच किया जाता है फिर ही वो सिस्टम को रखा जाता है। लेकिन कैंडल तो एक इनफॉर्मल सी चीज है और इसलिए इतना हाउस फायर, अमेरिका का तो एक ऑफिशियल स्टैट भी है वही 15,000 वाला, यानी साल में 15,000 सिर्फ मोमबत्ती के चलते। नेक्स्ट फैक्ट, वैम्पायर बैट, ये जो क्रिएचर्स होते हैं ये अपने प्रे का खून चूसते हैं, किसी भी क्रिएचर्स के ऊपर बैठकर खून को सक करते हैं। इनके सलाइवा में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है, जी हां ऑफिशियल नेम देखो, ड्रैक्यूलिन। इसका ऑफिशियल नाम ही ड्रैक्यूलिन है। इनके सलाइवा में जो केमिकल पाया जाता है उसका नाम क्या होता है कि ज्यादातर क्रिएचर्स में जब भी खून निकलता है तो वो खून अपने रुक कर वहां पर सेल्स उसको रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन वैम्पायर बैट के सलाइवा में जो प्रोटीन जिसका नाम है ड्रैक्यूलिन, ये जब किसी एक प्रे के ऊपर स्किन पे अपना सलाइवा लगा दिए और फिर खून चूसने लगे, तो फिर उस एरिया में ऐसा हो जाता है कि वो ब्लड रुक ही नहीं सकता, ब्लड रुक ही नहीं पाता, और उसी के चलते वो अपने प्रे के अंदर से खून पीते रहते हैं, सक करते रहते हैं। ये वैम्पायर बैट्स सही में बहुत गजब क्रिएचर्स हैं। वैज्ञानिकों ने इसे ड्रैक्यूलिन केमिकल, ये प्रोटीन जो कि उनके सलाइवा में पाया जाता है, इसके ऊपर जांच भी किए हैं और 411 डिफरेंट अमीनो एसिड्स उसमें पाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि स्पेस रिसर्च से ये पता चला है कि जो कॉकरोच धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में जन्म लेता है वो स्टैटिस्टिकली और टेक्निकली धरती के कॉकरोच से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, फास्टर, टफर और क्विकर होते हैं, यानी बोले तो ज्यादा मजबूत होते हैं धरती के कॉकरोच के मुकाबले। रशिया के वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कॉकरोच वाला और वो स्पेस में डेवलप किए और उन्हें ये पता चला कि वो ज्यादा फास्टर और टफर रहते हैं। यानी जिस तरह मूवीज में सीन देखते हैं कि जो स्पेस वाले अगर कोई जन्म लेता है स्पेस में तो धरती से ज्यादा स्ट्रांग होता है, बुलेट प्रूफ होता है, मतलब मूवीज में बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है कि धरती में जो जन्म लेगा वो तो धरती के लोगों को ऐसा होगा, लेकिन स्पेस में कंडीशंस अलग होती है, ग्रेविटी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, तो वहां पर जो अगर जन्म ले वो एक अलग ही चीज होगी। तो ये थे आज के फैक्ट्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।